नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे। फाइनली जियो ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, जिसमें कि जियो ने अनाउंस कर दिया है नेशन वाइड रोल आउट 5G नेटवर्क। अब सबसे बड़ी दुविधा है क्योंकि यहाँ पे एयरटेल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। जल्दीबाजी में लॉन्च तो कर दिया एयरटेल एयर फाइबर, प्लान भी लॉन्च कर दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन यहाँ तो फंस गया उल्टा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जियो ने वर्क किया है वो बिल्कुल ही एयरटेल से डिफरेंट कर दिया है, और किस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट होगा और अभी जो लॉन्च किया है वो किसके लिए किया है। जैसे कि बात करी जाए तो जियो ने जो लॉन्च किया है 5G बेस 26 GHz पे लॉन्च किया है, और जियो ने कंप्लीट कर ली है मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बिफोर शेड्यूल, मतलब इस साल के लास्ट तक होना था लेकिन उससे ही पहले अक्रॉस ऑल जो स्पेक्ट्रम खरीदे थे, जैसे कि बात की जाए तो 26 GHz जो कि MM वे बेस्ड बिजनेस कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलता है अक्रॉस 22 साइकिल, तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया आप अब जियो फिक्स एयर फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पूरी फुल डिटेल लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो हम प्रीवियस वीडियो लेके आए थे उसमें सिर्फ जियो एयर फाइबर की आपको डिटेल दी थी, लेकिन अब हमें सब कुछ डिटेल मिल गई है, तो जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरी फुल डिटेल लेके आएंगे। और ये जो अभी लॉन्च किया है वो सिर्फ इंटरप्राइजेस के लिए किया है, डैट मीन्स ये है कि बैंक हो गए, या हम बात करें जाए तो एजुकेशन हब हो गए, कॉलेज इस टाइप के, हॉस्पिटल हो गए, या गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ऑफिस हो गए, तो उनके लिए रोल आउट कर दिया गया है इंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें कि आपको जियो फिक्स एयर फाइबर देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो रीच करने की बात की गई है वो 2 Gbps की स्पीड, लेकिन जो इमेज सामने आया उसमें 100 Mbps की स्पीड थी, तो इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो 5G नेटवर्क जो है आपको अब सेम नेटवर्क पे, जैसे कि कंज्यूमर के लिए, जैसे कि आप और हम हो गए कंज्यूमर, हो गए जियो ट्रू 5G नेटवर्क के लिए, और जियो ट्रू 5G नेटवर्क के लिए इंटरप्राइजेस जो हो गए वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। तो अब बिजनेस प्लान किस तरीके के उसकी अलग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि डिवाइस सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को किस तरीके का फायदा मिलेगा, क्या जियो ट्रू 5G नेटवर्क जो आपको अभी वेलकम ऑफर देखने के लिए मिलते थे, क्या वो अब कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन दी गई है कि उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू हम जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं और इस साल के एंड तक वो कंप्लीट कर लेंगे, तो मतलब इस साल तक आपको एटलीस्ट एंजॉयमेंट मिलने वाला है जियो ट्रू 5G नेटवर्क का। क्योंकि यहाँ पे मतलब इंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया, तो इसलिए कोई बड़ा इवेंट नहीं इनिशियली लॉन्च कर दिया, जिसमें कि मल्टीपल फोटोज सेशन हुए, जिसमें साफ तौर पे हमें डिवाइस देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे आपको जियो पैन इंडिया रोल आउट ऑफ MM वेब बेस्ड जियो ट्रू 5G नेटवर्क बिजनेस कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए ओपनली ऑफर दे दिया है, स्मॉल छोटे बड़े सब लार्ज टाइप में आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए अभी लॉन्च नहीं किया है। अभी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 15 अगस्त को कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकता है, या 28 अगस्त को ही एक बड़े लॉन्चेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22 साइकिल्स के अंदर वर्क कर चुका है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको बताया था अभी जियो को और कितना काम करना है और कितने नंबर ऑफ लॉन्चेस करने हैं, उसके बाद ये लॉन्चेस आ जाते हैं तो रियली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम साइकिल ये सिटीज़ के अंदर लेके आ चुका है, तो जल्दी वो विलेज के अंदर भी वर्क करेगा और अपने 5G नेटवर्क को जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि ऑफिशियली इंडिया में आम लोगों के लिए भी रोल आउट कर दिया जाए। अभी जो रोल आउट किया है वो बिजनेस पर्पज से किया है, तो आप पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस महीने में बहुत कुछ चेंज होने वाला है 5G नेटवर्क में, उसके लिए रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।